Okay, in simulation, the next problem is inventory problem. Now that's one of the most typical of the lot. Inventory problems वहाँ applicable होंगी जहाँ पर question में given होगी ordering cost, carrying cost. Like in illustration number 16. Open up and look at question number 16. यहाँ पर आपको दो तरह की cost दे रखी हैं. एक तो ordering cost है, कितनी given है? 500 rupees. इसके अलावा carrying cost 20 rupees. That is 20 rupees. क्या ये लिखा हुआ है? किसके ऊपर निकाली जाएगी? जब भी कुछ mentioned नहीं हो तो carrying cost is always calculated on the closing stock. तो अभी हम closing stock निकालेंगे और closing stock का total करके जो भी carrying cost given होगी उसको 20 से multiply कर देंगे. आपके पास आ जाएगा total carrying cost. Right? तो carrying cost या तो वो given होगा कि average stock पे निकालना है, opening पे निकालना है, closing पे निकालना है. जब भी कुछ specified नहीं होगा तो carrying cost निकलता है हमेशा closing stock पर. Right? अब इस question को ही क्यों लिया गया है? इसमें एक और peculiarity है. यहाँ पर random numbers आप ध्यान दीजिएगा single digit में दे रखे हैं. जब भी random numbers single digit में होंगे तो आपका preliminary table भी single digit में ही बनेगा. जैसे बताइए प्रोबेबिलिटीज क्या दे रखी हैं हमें. फर्स्ट प्रोबेबिलिटी 0.1, 0.1, नेक्स्ट 0.2, 0.2, नेक्स्ट 0.3, 0.3, 0.1. तो जब भी रैंडम नंबर टू डिजिट में होते हैं तब तो एक जीरो आगे लगा दीजिएगा, लेकिन अगर ये सिंगल डिजिट में हुए तो सारा काम सिंगल डिजिट में ही होगा. जब आप क्यूमुलेटिव प्रोबेबिलिटी करेंगे तो 0.1, 0.3, 0.6, 0.9 और 1.0. जब आप क्लास इंटरवल बनाएंगे तो ये हो जाएगा 0 से लेकर 0 तक, नेक्स्ट 1 से 2, 3 से लेकर 5, देन 6 से लेकर 8 और लास्ट रह जाएगा केवल 9. मतलब उसका लोअर लिमिट भी 9, अपर भी 9. तो जब 9 होगा तभी वो पर्टिकुलर डिमांड देखी जाएगी. तो ये तो था प्रिलिमिनरी टेबल बनाने का तरीका. अब क्वेश्चन को पढ़कर ये बताइएगा सॉरी कि ये पूरा प्रोसेस कितनी बार किया जाएगा. हाउ मेनी टाइम्स दिस प्रोसेस नीड्स टू बी रिपीटेड. इसमें लिखा हुआ है रिपीट द प्रोसेस 10 टाइम्स. ऑल्दो यहां पर रैंडम नंबर शायद 15 16 दे रखे हैं, लेकिन आप लोगों को जब बोल दिया कि ये प्रोसेस पूरा 10 टाइम्स रिपीट करना है तो आप लोगों को फिर पहले 10 रैंडम नंबर ही सेलेक्ट करने हैं. राइट, सो सीरियल नंबर ये तो आ जाएगा 1 से लेकर 10 तक. सीरियल नंबर विल बी अप टिल 1 to 10. नेक्स्ट रैंडम नंबर्स बताइएगा. फर्स्ट 10 0 9 0 9 1 1, अगेन 1, फिर से 1, 5 5, 1 1, 8 8, 6 6, 3 3, 5 5. दैट्स इट. We have to have the value of only 10 random numbers, first 10. और अब बताइएगा इनके corresponding demand कितनी है? What is the value of demand? सबसे पहला random number देखिएगा और 0 पर देखकर बताइए कि कितना दिया हुआ है. 0.1 is 3. पहला रैंडम नंबर देखना है 0. 0 के ऊपर है, यानी 0 के सामने 3. नेक्स्ट 9 पर डिमांड 7. रैंडम नंबर 9 चेक करिएगा, 9 के कॉरेस्पॉन्डिंग डिमांड है 7. नेक्स्ट 1 पर 4. तो इस 1 पर भी 4 ही आ जाएगी. 5 के ऊपर डिमांड 5. फिर 1 पर फिर से 4. 8 पर 6. 6 पर डिमांड 6. 3 पर 5. और 5 पर 6. 5 पर 5. तो रैंडम नंबर्स है, डिमांड है. अब इस क्वेश्चन में कंडीशन पे ध्यान दीजिएगा, ये आप लोगों को सेकंड लास्ट पैराग्राफ में दे रखी है कि यू हैव टू ऑर्डर 15 यूनिट्स when the closing stock plus orders outstanding is less than 15, right? 15 less than लिखा है, less than or equal to 15. Order 15 units. Order 15 units when the closing stock or orders out
फॉल्स बिलो 15 यूनिट्स. इसका मतलब ये हुआ जब भी कभी क्लोजिंग स्टॉक और ऑर्डर आउटस्टैंडिंग इन दोनों का टोटल 15 से कम हो जाएगा तब आप 15 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस करेंगे. तो ऑर्डरिंग क्वांटिटी विल बी 15, लेकिन कब? जब कभी क्लोजिंग स्टॉक और ऑर्डर आउटस्टैंडिंग का टोटल लेस देन 15 हो जाएगा. तो एक तो ये ध्यान रखना है आपको. अब सवाल ये उठता है क्लोजिंग स्टॉक आएगा कैसे. इसके लिए फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा आपको. क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस रिसिप्ट्स माइनस सेल और डिमांड. तो ओपनिंग स्टॉक प्लस रिसिप्ट्स इज परचेजेस. तो जब भी ओपनिंग स्टॉक और रिसिप्ट्स का टोटल, जैसे सपोज करिए ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास 10 और आपने परचेज कर लिए 5 यूनिट्स, 15 यूनिट्स हो गई, उसमें से कस्टमर डिमांड कर रहा है कि मुझे 10 यूनिट चाहिए, तो 10 माइनस कर दी तो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 5 का. तो क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस सेल्स और डिमांड. अब क्लोजिंग स्टॉक के लिए आपके पास इन 3 कंपोनेंट्स का होना जरूरी है, इनमें से डिमांड या सेल्स तो है, ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस या रिसिप्ट्स नहीं है हमारे पास. तो एक कॉलम बनाना पड़ेगा ओपनिंग स्टॉक का और एक आ जाएगा परचेजेस या रिसिप्ट्स का, राइट? वो ओपनिंग स्टॉक हो जाएगा. तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस और रिसिप्ट्स माइनस डिमांड कर देंगे या सेल्स कर देंगे तो आपके पास आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक. अब इस क्वेश्चन में एक बात जिस पर आप लोग क्वेश्चन कर रहे थे, द स्टॉक इन हैंड, कितना है स्टॉक इन हैंड? 20. द स्टॉक इन हैंड एट द बिगिनिंग ऑफ द एक्सरसाइज इज 20 यूनिट्स. इसका मतलब पहले दिन का ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास 20 यूनिट्स, राइट? तो फर्स्ट डे ओपनिंग स्टॉक इज 20. और इस क्वेश्चन में एक चीज और दे रखी है, लीड टाइम. Lead time is equal to 3 days. Please look at the question. Lead time is not 10. Lead time for replenishment is 3 days. Right? The lead time की value यहाँ पर 3 दिन दे रखी है. इसका मतलब ये हुआ कि जब भी आप order करेंगे तो वो order 3 दिन बाद आपको मिल जाएगा. That means अगर 2 तारीख को order किया तो 3 दिन बाद यानी कि 5 तारीख को मिलेगा. अगर आपने 5 तारीख को ऑर्डर प्लेस किया है तो वो 3 दिन बाद यानी कि 8 को मिल जाएगा. इज इट क्लियर? गो थ्रू दिस क्वेश्चन वंस देन वी विल स्टार्ट द सॉल्यूशन. Okay, now see how we will start with this question. Opening stock at the beginning is 20. Receipt कुछ है नहीं. 20 में से customer आया और वो 3 units का demand कर रहा है. तो closing stock कितना रह जाएगा? 17. Right? 20 units था. Receipt कुछ है नहीं first day. 3 units का demand है. तो 20 में से 3 units customer ले गया. Closing stock रह गया 17. ऑर्डर आउटस्टैंडिंग कुछ है नहीं. ऑर्डर आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है वो ऑर्डर जो आपने प्लेस तो कर दिया है लेकिन अभी तक आपको मिला नहीं है. जब तक वो ऑर्डर नहीं मिलता है तब तक वो ऑर्डर बोला जाता है ऑर्डर आउटस्टैंडिंग. ऑर्डरिंग क्वांटिटी, आज आप कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं करेंगे क्योंकि दोनों का टोटल 15 से कम है. जब भी 15 से कम होगा, सॉरी इन दोनों का टोटल 15 से ज्यादा है, जब भी इन दोनों का टोटल 15 से कम होगा सिर्फ तभी आप ऑर्डर प्लेस करेंगे. अभी दोनों का टोटल 15 से ज्यादा है तो आपको ऑर्डर प्लेस करने की जरूरत नहीं है. इट्स क्लियरली स्पेसिफाइड दैट व्हेनेवर द क्लोजिंग स्टॉक एंड ऑर्डर आउटस्टैंडिंग फॉल्स बिलो 15 यू विल हैव टू प्लेस एन ऑर्डर ऑफ 15 यूनिट्स. तो अभी पहले दिन इन दोनों का टोटल 15 से कम नहीं है तो आज आपको कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं करना है. नेक्स्ट, प्रीवियस डेज क्लोजिंग स्टॉक
इज इक्वल टू द ओपनिंग स्टॉक ऑफ द नेक्स्ट डे. कल का क्लोजिंग बनेगा आज का ओपनिंग. रिसिप्ट कुछ है नहीं, 17 यूनिट्स हैं आपके पास. कस्टमर आया और वो कह रहा है मुझे 7 यूनिट्स चाहिए, 7 उसको दे दी. आज का क्लोजिंग स्टॉक कितना रह जाएगा? 10. आउटस्टैंडिंग कुछ है नहीं. क्या आज आप ऑर्डर प्लेस करेंगे? यस. व्हाई? 10 प्लस 0 इज 10, लेस देन 15 हो गया. तो आज आप 15 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस कर देंगे. 2 तारीख को ऑर्डर प्लेस किया है. मिलेगा कब? 5 तारीख को मिल जाएगा. तो 5 तारीख को आप यहां पर पहले ही दिखा दीजिएगा कि मुझे 15 यूनिट्स का यहां पर रिसिप्ट हो रहा है. 2 तारीख को ऑर्डर किया, लीड टाइम है 3 डेज, 3 दिन के बाद ही ऑर्डर आपको मिल जाएगा. तो जो 2 तारीख को ऑर्डर किया, 3 दिन बाद मिला, इसका मतलब 5 तारीख को ये ऑर्डर आपको रिसीव हो रहा है. अब 5 तारीख को मिल गया तो यहां पे दिखा दीजिएगा 15 यूनिट्स रिसिप्ट्स में. लेकिन इतने दिनों तक 3 को और 4 को ये ऑर्डर बोला जाएगा ऑर्डर आउटस्टैंडिंग. ऑर्डर आउटस्टैंडिंग का मतलब वो ऑर्डर जो आपने प्लेस तो कर दिया है लेकिन अभी तक आपको मिला नहीं है. जब तक नहीं मिलता है तब तक इस ऑर्डर को बोला जाएगा ऑर्डर आउटस्टैंडिंग. नेक्स्ट, कल का क्लोजिंग ये बन जाएगा और आज का ओपनिंग स्टॉक. रिसिप्ट कुछ है नहीं, ना 3 को और ना 4 को. 10 में से 4 यूनिट कस्टमर डिमांड कर रहा है तो 10 में से 4 गई, क्या रह जाएगा? 6. अब टोटल करिएगा. सॉरी, 6 प्लस 15 टोटल कितना हो गया? 21 तो 15 से कम नहीं होता. तो आज आप कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं करेंगे क्योंकि जब जब इन दोनों का टोटल 15 से नीचे गिरेगा सिर्फ तभी आपको ऑर्डर प्लेस करना है, अदरवाइज आपको कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं करना है. कल का क्लोजिंग बन जाएगा आज का ओपनिंग, राइट? प्रीवियस डेज क्लोजिंग स्टॉक इज इक्वल टू नेक्स्ट डेज ओपनिंग स्टॉक. 6 यूनिट थी, कस्टमर कह रहा है मुझे 4 और चाहिए. 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया आपने, वैल्यू आ गई 2. 2 प्लस 15 इज 17. आज भी आप कोई ऑर्डर प्लेस नहीं करेंगे क्योंकि टोटल अभी भी 15 से ज्यादा है. जब भी इनका टोटल 15 से नीचे गिरेगा केवल तभी आपको ऑर्डर प्लेस करना है. नेक्स्ट, कल का क्लोजिंग बनेगा आज का ओपनिंग. 2 और 15 आ गए हमारे पास, टोटल हो गई 17. इनमें से कस्टमर 5 डिमांड कर रहे हैं तो 17 में से 5 गए, 12 रह जाएगा. ऑर्डर आउटस्टैंडिंग कुछ है नहीं क्योंकि जो था वो आपको मिल गया. 12 प्लस 0 इज 12, लेस देन 15 हो गया. लेस देन 15 हो गया है तो आज आप 15 यूनिट्स का ऑर्डर प्लेस कर देंगे. जो 5 तारीख को ऑर्डर किया है वो कब मिल जाएगा? 8 तारीख को. तो 8 के सामने एक बार हाईलाइट कर देते हैं हम ताकि ये वैल्यू किसी से भी मिस ना हो जाए, राइट? तो आपने 5 तारीख को ऑर्डर प्लेस किया, जो ऑर्डर 5 तारीख को प्लेस किया वो कब मिलेगा हमें? 8 तारीख को. तब तक वो ऑर्डर बोला जाएगा 6 को भी आउटस्टैंडिंग और 7 को भी वो ऑर्डर आउटस्टैंडिंग कहा जाएगा. ऑर्डर आउटस्टैंडिंग का मतलब वो ऑर्डर जो आपने प्लेस कर दिया है लेकिन अभी तक आपको मिला नहीं है. नेक्स्ट, कल का क्लोजिंग बन जाएगा आज का ओपनिंग. रिसिप्ट ना आज है ना अगले दिन. 12 में से 4 सब्ट्रैक्ट करी क्योंकि डिमांड थी 4 की, 12 में से 4 गए 8. 8 और 15 होता है 23, लेस देन 15 तो नहीं होता. तो आज आप कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं करेंगे. कल का क्लोजिंग 8 बनेगा आज का ओपनिंग. 8 में से 6 डिमांड थी रिड्यूस कर दी तो हमारे पास क्लोजिंग रह गया 2. 2 प्लस 15 होता है 17, लेस देन 15 नहीं है अभी भी टोटल. तो आज आप कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं करेंगे. कल का क्लोजिंग 2 बनेगा आज का ओपनिंग स्टॉक. 15 प्लस 2 इज 17, 17 में से 6 माइनस किया ये हो गया 11. आउटस्टैंडिंग कुछ है नहीं क्योंकि जो था वो आज हमें मिल गया है. तो अब 11 प्लस 0 होता है 11, लेस देन 15 हो गया. तो आज आप फिर से एक नया ऑर्डर प्लेस कर देंगे. 8 तारीख को ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं आप, कब मिलेगा? 3 दिन बाद, यानी कि 11 तारीख को. तो 11 तारीख तक तो ये प्रोसेस करना ही नहीं है आपको, केवल 10 दिन के लिए बोला है करने को. तो ठीक है, वो एंट्री तो डिसॉल्व हो जाती है लेकिन तब तक ये ऑर्डर 9 को और 10 को क्या बोला जाएगा? ऑर्डर आउटस्टैंडिंग. क्योंकि ना तो ये 9 को मिल रहा है तो मैनेजर अपने रजिस्टर में इसको ऑर्डर आउटस्टैंडिंग के नाम से लिखेगा
और ना ही ये 10 को मिला, तो 10 को भी ये क्या बोला जाएगा, ऑर्डर आउटस्टैंडिंग, क्योंकि जो 8 को ऑर्डर किया वो हमें 11 तारीख को मिल रहा है। नेक्स्ट, कल का क्लोजिंग बनेगा आज का ओपनिंग, रिसिप्ट ना आज है ना कल है, 11 तारीख को होंगी, लेकिन तब तक तो क्वेश्चन करना ही नहीं है। 11 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया, क्या रह जाएगा, 6, 6 और 15 का टोटल किया हमने 21, लेस देन 15 नहीं होता, तो आज आप कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं करेंगे। अब कल का क्लोजिंग बनेगा आज का ओपनिंग स्टॉक, 6 थी, कस्टमर आया डिमांड कर रहा है कि 5 यूनिट दे दो, 6 में से 5 गई, एक ही रह गई, 1 प्लस 15 होता है 16, लेस देन 15 नहीं होता अभी भी, तो आज आप कोई भी ऑर्डर प्लेस नहीं करेंगे। राइट, ये टेबल तो यहां पर कंप्लीट हो जाता है। अब एक बार क्लोजिंग स्टॉक का टोटल करिएगा, टोटल किया हमने इसको 17 और 10, 27, 33, 35, 37, 48, 55, 57, 58, 68, 74, 75 यूनिट्स। तो सबसे पहले तो जब कंक्लूजन लिखेंगे हम, इसके अंदर निकालनी है इन्वेंट्री कॉस्ट, तो एक तो आ जाएगी कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट कैसे आएगी, कुल मिलाकर 75 यूनिट्स का क्लोजिंग स्टॉक रहा है और एक यूनिट का कैरिंग कॉस्ट दे रखा है क्वेश्चन में 20, तो ये आ जाएगी रुपीज 1500। एक और कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज ऑर्डरिंग कॉस्ट। ऑर्डरिंग कॉस्ट दे रखी है क्वेश्चन में 500 रुपीज, एक बार ऑर्डर करने की कीमत है 500 रुपए, आपने ऑर्डर प्लेस किया है 1, 2 और 3, 3 बार, तो 3 टाइम्स ऑर्डर, एक बार की कॉस्ट थी 500 रुपए, टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट कितनी हो जाएगी, ये रुपीज 1500। इन दोनों कॉस्ट का टोटल कर देंगे हम तो हमारे पास टोटल इन्वेंट्री कॉस्ट ये आ जाएगी 1500 प्लस 1500, दैट इज इक्वल टू रुपीज 3000। दिस विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस टिपिकल इन्वेंट्री प्रॉब्लम।